नमस्कार दोस्तों, महान विद्वान आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में महिलाओं के गुणों के बारे में बताया है। चाणक्य कहते हैं कि महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा हिम्मत होती है। महिलाएं साहसी होने के साथ भावुक भी जल्दी हो जाते हैं। आज देश की प्रगति में महिलाओं का बहुत बड़ा सहयोग है। महिलाएं घर संभालने के साथ साथ बाहरी कामों को भी पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ करती है। महान दार्शनिक आचार्य चाणक्य ने भी अपने नीति शास्त्र में कुछ ऐसी महिलाओं का जिक्र किया है जिनके गुण के सामने पुरुष भी हार मान बैठते हैं। आइए जानते हैं कि महिलाओं के ऐसे कौन से गुण हैं जिनके सामने पुरुष भी झुक जाते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक हिम्मती और अपनी हिम्मत के दम पर बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से झेल जाती है। हिम्मती महिलाएं पुरुषों को पसंद आती है और ऐसी महिला के सामने अक्सर पुरुष झुक ही जाते हैं। दोस्तों, जो चाणक्य नीति ने बताया है वो पहले है समझदार के बारे में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में इस बात का जिक्र किया है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समझदार और सुलझी हुई होती है। अपनी समझदारी के चलते वह हर गंभीर परिस्थितियों को भी आसानी से संभाल लेती है। कई बार गंभीर परिस्थितियां संभालने में पुरुष नाकाम रहते हैं, जबकि महिलाएं आसानी से यह काम कर लेती है। नंबर दूसरी बात, चाणक्य नीति के अनुसार महिलाएं हिम्मती और साहसी होने के साथ साथ भावुक भी होते हैं। अपने भावुक व्यवहार की वजह से ही रिश्तों में प्यार और समाज बनाए रखते हैं। समझ होती है ऐसी महिला के सामने पुरुष भी नतमस्तक हो जाते हैं। नंबर थ्री, चाणक्य नीति के अनुसार जिन महिलाओं में क्षमा करने की प्रवृत्ति होती है पुरुष उनके सामने हार मान बैठते हैं, क्योंकि क्षमा करने की प्रवृत्ति केवल उसी इंसान में होगी जिसका हृदय बड़ा होगा और जो अपने मन में कोई बैर नहीं रखता होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।